हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा सब इक्विपमेंट्स ऑफ बैचिंग प्लांट। दोस्तों, बैचिंग प्लांट्स में जो उनके सब इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली हमारी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, नहीं तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं सभी प्लांट्स के सब इक्विपमेंट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम बात करते हैं सबसे पहले M2.5 बैचिंग प्लांट्स की, इसमें इसके सब इक्विपमेंट्स होते हैं बेल्ट कन्वेयर, कंप्रेसर, साइलो, रूट ब्लोवर, डिबैगिंग, एक्स्ट्रा साइलो इफ़ रिक्वायर्ड एंड चिलिंग प्लांट। दोस्तों, इसमें 5 साइलो के अलावा भी अगर आपके पास कोई अनदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए हमको अलग से एक साइलो इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसमें कर सकते हैं। हम बात करते हैं M2.25 बैचिंग प्लांट की। तो दोस्तों, उसमें जो हमारे सब इक्विपमेंट्स होते हैं बेल्ट कन्वेयर, कंप्रेसर, साइलो, रूट ब्लोवर, डिबैगिंग, एक्स्ट्रा साइलो इफ़ रिक्वायर्ड एंड चिलिंग प्लांट। बात करें अगर CP30 बैचिंग प्लांट्स की, बेल्ट कन्वेयर, कंप्रेसर, साइलो, रूट ब्लोवर, एक्स्ट्रा साइलो इफ़ रिक्वायर्ड। दोस्तों, इसमें 2 साइलो ऑलरेडी होते हैं, और अगर आपको किसी अनदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए साइलो चाहिए तो एक्स्ट्रा साइलो हम इसमें अटैच करवा सकते हैं। एंड चिलिंग प्लांट, चिलिंग प्लांट इज़ नॉट नेसेसरी। चिलिंग प्लांट ऐसे जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको मतलब 2.25 या 2.5 जैसे प्लांट नहीं लगे हैं और वहाँ पे कोई ऐसे रिक्वायरमेंट्स है एज़ पर डिमांड, तो आप वहाँ पे चिलिंग प्लांट CP30 के साथ लगवा सकते हैं। जनरली आपको चिलिंग प्लांट CP30 के साथ नहीं मिलेंगे। दोस्तों, हम अगर बात करें CP18 बैचिंग प्लांट की, तो CP18 बैचिंग प्लांट में जो इसके सब इक्विपमेंट्स होते हैं वो कंप्रेसर, साइलो इफ़ रिक्वायर्ड। दोस्तों, इसमें साइलो होता ही नहीं है, इसमें मैनुअली सीमेंट फीडिंग पंप लगा होता है, मैनुअल सीमेंट जाती है, इसमें सीमेंट फीडिंग होती है। और अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे साइलो इंस्टॉल करना है तो आप उसमें 50 टन का एक साइलो लगवा सकते हैं। ओके, हम अभी इन सारे मटेरियल्स का एब्रिविएशंस देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं उनके सभी इक्विपमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो नाम है वो है बेल्ट कन्वेयर। दोस्तों, बेल्ट कन्वेयर जो होता है वो हमारे बैचिंग प्लांट पे इंक्लाइन 45 डिग्री और 60 डिग्री एज़ पर रिक्वायर्ड ऑफ इंजीनियर, उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली इंजीनियर इसको इंस्टॉल करवाते हैं। और ये बॉटम टू टॉप मटेरियल ले जा करके हमारे बिन को, हमारे बैचिंग प्लांट के हॉपर को फुलफिल करता है मटेरियल से। दोस्तों, ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बेल्ट कन्वेयर। वर्किंग ऑफ बेल्ट कन्वेयर आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है बेल्ट कन्वेयर की वर्किंग क्या है। बात करते हैं चिलिंग प्लांट की। तो दोस्तों, चिलिंग प्लांट में मैं आपको बता दूं, चिलिंग प्लांट हमारे जो बैचिंग प्लांट्स में यूज़ होता है वो 70 TR और 90 TR का होता है। और दोस्तों, PQC कंक्रीट के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। उसका टेम्परेचर, उस कंक्रीट का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम इससे वाटर चिल करके 5 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, और फिर कंक्रीट के साथ मिक्स करके उसको कंक्रीट में मिक्स करते हैं ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। इसके लिए हम चिलिंग प्लांट का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसकी सारी डिटेल्स, इसका सारा बाइफरकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। इन सब के बाइफरकेशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। इनके मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा, डू डोंट बताऊंगा, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा, एवरीथिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं डिबैगिंग प्लांट की, डिबैगिंग प्लांट एक सीमेंट कटिंग फीडिंग प्लांट है। डिबैगिंग प्लांट में आप सीमेंट बैग रख दें और एक घंटे में अप्रॉक्स 40-45 TPH ये सीमेंट कट कर देता है। ओके, इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपका बल्कर अवेलेबल नहीं होता या जहाँ पे हम साइलो लगाते हैं लेकिन बल्कर वहाँ पे अनअवेलेबल होता है, तब हम सीमेंट कटिंग बैग का यूज़ करते हैं और इसके थ्रू सीमेंट को साइलो में फुलफिल करते हैं। दोस्तों हम अगर बात करें बेल्ट कन्वेयर की, ये ऑन लोड में ऐसा दिखता है। इसमें एग्रीगेट चल रहा होता है, एग्रीगेट इसमें लोड रहता है और ये ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाता है बॉटम टू टॉप। ये साइलो हैं, इसी में सीमेंट फीडिंग होती है, सीमेंट फीडिंग इसी में होती है और इसके थ्रू आपके बैचिंग प्लांट के मिक्सर में पास होती है स्क्रू कन्वेयर के द्वारा। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।